हे वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएमएस डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। ए मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग होली विश करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप घर से बाहर रहते हो, हम लोग कभी बाहर निकलते हैं, कोई मुंबई है, कोई दिल्ली है, कोई अहमदाबाद, कोई कहीं है, अपने अपने घर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं होली को। हम लोग तो नहीं पहुंच पा रहे, तो भाई होली तो विश करना पड़ेगा ना। अपने मोबाइल उठाओ और मोबाइल में अपने सबसे पहले अपने सबसे प्यारे सबको कैसे विश करें, जैसे अपने से बड़ों को विश करिए होली। जो भी आपसे बड़े हैं, ग्रैंडफादर है, मदर है, फादर है, जो भी है आपके हैं बड़े, उनको होली विश जरूर करना, ना भूलें। आप हर व्यक्ति को होली विश करें, उनको अच्छा लगेगा। अगर घर पहुंच गए हो तो भी आप विश करें, उनको मजा आएगा। दूसरा, अपने मित्र को कैसे विश करें, जो आपका परम मित्र है, पर उसको विश नहीं करो, बुरा मान जाएगा ना, इसलिए उसे विश करिए। अपने प्रेमी को, कोई आपको चाहता है, आप किसी को चाहते हैं, आपका कोई चाहता है, एक बार होली अच्छे से विश करेगा तो आपको मजा आएगा ना। इस तरह से थोड़ी मस्ती के मूड में, अगर थोड़ा मस्ती आ रहा है तो उसको कैसे विश करते हैं, तो हम देखते हैं एक एक करके चार चरण में कि हर किसी को एक अलग अलग अंदाज में कैसे होली विश किया जाए, ताकि आपका होली सबसे बेस्ट हो, सबसे बढ़िया हो। हमने पहले को लिया कि अपने से बड़ों को कैसे विश किया जाता है। हमने कहा हैप्पी होली टू द वर्ल्ड्स बेस्ट फादर। हमने कहा आपको पिताजी, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिताजी हैं, आपको मैं होली विश करता हूं। हैप्पी होली टू द वर्ल्ड्स बेस्ट फादर, माय मदर, डैड, ग्रैंडफादर, मदर। हमने कहा हैप्पी होली टू द वर्ल्ड्स बेस्ट फादर, हैप्पी होली टू द वर्ल्ड्स बेस्ट मदर, वर्ल्ड्स बेस्ट डैड, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, डॉट 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 डॉट। तो जितने भी लोगों को आपको विश करना है आप करते जा सकते हैं, इस तरह से आप हैप्पी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमने कहा आई विश यू अ वंडरफुल होली, आई विश यू अ वंडरफुल होली टू माई मॉम, डैड, फादर, ग्रैंड फादर। तो आप इस तरह से आई विश यू अ वंडरफुल होली, आई विश यू अ ब्यूटीफुल होली, आई विश यू अ वंडरफुल होली टू माई मॉम, टू माई डैड, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। इस तरह से हम लोग, आप आराम से इस चीज को लिख ले, स्क्रीन शॉट ले ले, ताकि आप आराम से अपने ग्रैंड फादर को, अपने मदर को, अपने अंकल को आप विश कर सकते हैं। अब हम लोग विश कर रहे हैं अपने मित्र को, यानी आप अपने मित्र को कैसे विश करें। हमने अपने बड़ों को विश कर लिया, सबसे पहले बड़ों को सम्मान दे दिया, अब हम अपने मित्र को विश करें कि भाई मित्र हैं, उनको कैसे होली का विश किया जाए। तो हमने कहा आई होप दैट योर होली इज ब्यूटीफुल, वंडरफुल एंड फुल ऑफ लव जस्ट लाइक यू। यानी जैसे तुम हो ना, जैसे तुम सुंदर हो ना, जैसे तुम स्मार्ट हो ना, वैसे तुम्हारा होली सुंदर है, जैसे तुम्हारा होली सुंदर है, वंडरफुल होली है एंड फुल ऑफ लव है जस्ट लाइक यू। हम कहीं गले नहीं मिल पा रहे, पहुंच नहीं पा रहे, तो कम से कम होली तो विश कर दे मोबाइल पे। तो इसलिए हमने कहा आई होप दैट योर होली इज ब्यूटीफुल, वंडरफुल एंड फुल ऑफ लव जस्ट लाइक यू। यहां हमने बोला इसी तरह को एक तरह से और विश कर सकते हैं, wish you a very happy holi my friend, wish you a very happy holi suresh, ramesh, priya, riya, rakhi, jo marzi ho, to wish you a very happy holi. ye garmagar se bolna hai, aap phone kare to usko apne garmagar se bole wish you a very happy holi. fir bol sakte hain on the occasion of holi let's burn all our grievances in the holy fire of holika dahan, happy holi. हमने कहा on the occasion of holi, इस होली के शुभ अवसर पर let's burn, चलो जला देते हैं all our grievances, जितनी भी शिकायतें हैं, जितने भी दुख दर्द हैं, grievances मतलब शिकायतें, दुख दर्द, परेशानियां, जितनी शिकायतें, परेशानियां, grievances है, उसको जला देते हैं कहां, in the holy fire, ये होली है, होली में पवित्र, HOLI होली, इस होली मतलब पर्व त्योहार, ये होली मतलब पवित्र, तो पवित्र फायर यानी कि होलिका दहन के जो पवित्र आग जल रहे हैं उसमें सारे शिकायतों को जला देते हैं और हैप्पी होली गले लगा लेते हैं, है ना। तो हमने क्या कहा ऑन द ओकेजन ऑफ होली लेट्स बर्न ऑल आवर ग्रीवांसेस इन द होली फायर ऑफ होलिका दहन, हैप्पी होली। अगला हमने कहा होप यू हैव लॉट्स ऑफ फन फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, होप यू हैव लॉट्स ऑफ फन फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, यानी सुबह शाम तक मुझे भरोसा है तो मस्ती कर रहा होगा। तो यहां हम लोग अपने मित्र को विश करें होली के अवसर पर, और होली को जाने देना है, इस बार होली दमदार और मजेदार मनाना है। अब अपने आप किसी भी विलेवेट को, अपने प्रेमी को, अपने चाहने वाले को कैसे विश करें उस पर बात कर रहे हैं आपसे। हमने कहा हैप्पी होली टू द वर्ल्ड्स बेस्ट माई जान,
वर्ल्ड्स वेस्ट स्वीट हार्ट, वर्ल्ड्स वेस्ट माई लव. तो हैप्पी होली टू द वर्ल्ड्स वेस्ट मतलब दुनिया के सबसे खूबसूरत. हमने कहा माई जानू, माई स्वीट हार्ट, माई हनी, माई लव, जो तुम चाहते हो बस विश कर दो. हमने सेकेंड पॉइंट लिया, आई विश यू ऑलवेज बी हैप्पी एंड आई विल डू एवरीथिंग टू यू. हैप्पी होली. आई विश यू ऑलवेज बी हैप्पी. मैं कोशिश करता हूं, मैं तुम्हारे लिए चाहता हूं तुम हमेशा खुश रहो. एंड आई विल डू एवरीथिंग टू यू, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा. हैप्पी होली. तो हमने कहा आई विश यू ऑलवेज बी हैप्पी एंड आई विल डू एवरीथिंग टू यू, एवरीथिंग फॉर यू. हैप्पी होली. आई विश यू अ वंडरफुल होली माई हनी, आई विश यू अ वंडरफुल होली माई लव, आई विश यू अ वंडरफुल होली. इस तरह से आप हर चीज को, मैं चाहता हूं कि जो वीडियो बना रहा हूं ना, उस हर बच्चे को शेयर कर दो जो बच्चा अच्छा से आराम से विश करना चाहता है जो बाहर में रहता है. एक बात और बता दूं आपको, इसके पहले हमने बनाया है सेल्फ इंट्रोडक्शन का वीडियो, वो आपको बहुत जरूरत है उन सारे बच्चों को देख करके, और पूरे भारत में फैलना चाहिए ये बात. अब चौथे पॉइंट क्या कहता है भाई, थोड़ी मस्ती के मूड में यानी हम इसकी बात करें. एक एक करके हमने ये दिखा दिया, ये दिखा दिया, ये दिखा, इसकी दिख बात करें हम लोग. तो हमने कहा कि चौथे पॉइंट थोड़ी मस्ती के मूड में विश करना है. जैसे हमने कहा आई होप यू हैव अ फंटास्टिक होली, आई होप यू हैव अ फंटास्टिक होली, यानी तुम्हारा होली बहुत फंटास्टिक हो. तो हम मस्ती की मूड में बात करते हैं. कैसे बोलते हैं, कलर्स एंड सॉन्ग्स फिल द एयर. अबे राइम बना दिया हम आपके लिए, कलर्स एंड सॉन्ग्स फिल द एयर, होली इज हेयर, विश जॉय टू शेयर. हमने कहा कलर्स एंड सॉन्ग्स फिल द एयर, होली इज हेयर विथ जॉय टू शेयर. हैप्पी होली. फिर से एक बार, कलर्स एंड सॉन्ग्स फिल द एयर, होली इज हेयर विश विथ जॉय टू शेयर. हैप्पी होली. तो यहां हमने बात करा आपके लिए, इस तरह से आप एक एक बंदे को आप आराम से जॉय के मूड में आप इसको विश कर सकते हो, मैसेज लिख सकते हो, होली विश कर सकते हो. अगला दिया हमने, माय डार्कर नाइट चेंज इनटू अ कलरफुल लाइट, यानी मैं जो अंधेरे रात थी एक कलरफुल लाइट में चेंज हो गया. जस्ट एज यू अराइव्ड, जैसे तुम आए ना मेरा होली तो बन गया. जैसे कोई मित्र आपके घर आता है, जैसे ही आता है आप उसके साथ ये बोल सकते हैं, माय डार्कर नाइट चेंज इनटू अ कलरफुल लाइट जस्ट यू एज जस्ट यू अराइव्ड. यानी जैसे वो आता है आपका नाइट कलरफुल लाइट चेंज होता है, यानी आपके डार्कर नाइट चेंज होते हैं कलरफुल में, यानी बिल्कुल ही रंग बिरंगा हो जाता है. आप विश कर सकते हैं मे यू गेट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ. हैप्पी होली. यानी आप लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा हो, सब कुछ बेहतरीन हो. आप आराम से इसको एक एक बंदे को आप विश कर सकते हो और आपका लाइफ बेहतर हो जाएगा और आप बेहतर कर सकते हैं. इस तरह से हमने कहा कि एक एक करके सारे विश करते हैं और आप अच्छा महसूस करोगे और आप आने वाले दिनों में और आपके अंदर विश करने की क्षमता बढ़ जाएगी. इस तरह से मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला रहा हूं और मेरे तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप बहुत सारे खुशियां पाएं और अपना मजा है. हम लोग हिंदुस्तान के हैं, हिंदी भी बोलते हैं, हिंदी आनी चाहिए, हिंदी से गर्व करता हूं मैं. और हिंदी से बढ़िया कोई लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इंग्लिश आना जरूरी है. इंग्लिश आना बहुत जरूरी है आज के एग्जाम के लिए, आज के पैटर्न के लिए. और ये छोटे छोटे जो मेरे प्रयास हैं, ये प्रयास आपको अंग्रेजी सिखा के छोड़ेगा. और ये छोटे प्रयास जो मैं कर रहा हूँ जिससे अंग्रेजी आप बेहतर बना सकते हो. और हिंदी में विश करें, अंग्रेजी में विश करें, जितना बेहतर हो सकता है उतना विश करें. मे आई विश यू अ वेरी हैप्पी, मे आई विश यू अ वेरी हैप्पी होली एंड ग्लैमरस होली. आप फंटास्टिक होली बनाएं, खूब बढ़िया से इंजॉय करें लाइफ को और खूब मस्ती करें इस बार. और खूब मस्ती करके हमेशा लिखते रहें. और हाँ, पढ़ाई की बात करना है तो हमने इसके पीछे हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ हमने वीडियो दिया हुआ है. उस वीडियो को आप पीछे से देखें और उस वीडियो को पूरे भारत में फैलाएं. इस वीडियो को सारे बच्चों को दें जिनको जरूरत है. हाँ, दूसरी बात, अगर आप होली में बढ़िया पढ़ना चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन क्लास घर बैठे पढ़ सकते हो. और ऑफलाइन क्लास के लिए दिल्ली अब दूर नहीं है. मस्ती करके आप दिल्ली आ सकते हो और बेहतर क्लास पा सकते हो. थैंक यू वेरी मच. फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में.